जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और जो आप प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें वो कौन सी तीन चीज़ें दान करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिजनों पर हमेशा के लिए बनी रहे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, वो तीन कौन से दान हैं जो हम करके माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, हमारे घर में बरकत प्राप्त कर सकते हैं, घर से जो भी नेगेटिविटी उसको बाहर कर सकते हैं और धन धान्य सुख समृद्धि शांति सभी हमारे घर में हो। बहुत साधारण उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को किया है, तब जाके मैं यह प्रयोग आपसे शेयर कर रहा हूँ। हर एक राशि का जातक, कोई भी जातक इसे कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक या नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ बातें हैं, उन सभी पर इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं और हमारी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, जय शिव शंभु लिखें, जो आपका मन हो, भोलेनाथ का कोई सा भी नाम आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए महीने में या जितने भी दिनों में, साल में एक बार, महीने में एक बार या जब भी आपकी इच्छा हो, अपने जो पद है, मतलब जूते चप्पल ये है, ये नए खरीदें और किसी भी आवश्यक या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। पहला उपाय ये है, क्योंकि शनि के अंडर में वो चीज़ें आती है, इसलिए जब आप उसको दान करोगे तो वैसे ही आपको पॉजिटिविटी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को, जिनको भी ज़रूरत है पद की, मतलब अपने जूते और चप्पलों की, उन्हें डोनेट हमें करना है। दूसरा है कि हर शुक्रवार हो सके तो 5 गरीबों को आप भोजन कराने की एक प्रथा अपने खुद से डेवलप कर ले कि, या जो भी नाश्ता करा पाएँ, जो भी आप दे पाए, जो भी चीज़, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये करें वो करें, आपसे जो भी बन पाए आप वो ज़रूर करें। क्योंकि हम जब गरीबों को भोजन कराते हैं और उनकी जो दुआ निकलती है या जो वो दुआ देते हैं, उन दुआओं में बहुत असर होता है और माँ लक्ष्मी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसलिए जितना हो सके उतने गरीबों को आप भोजन कराएं, शुक्रवार कराएं या आपका जब मन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन एक आदत डाल ले कि मुझे गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाना है, ज़रूरतमंद जरूर गरीबों को। ये एक बात थोड़ा सा अंडरलाइन याद रखें, किसी मंदिर के पास तो सभी लोग उन्हें देते रहते हैं, अच्छी बात है, पर जिसको भूख लगी हो उसे भोजन कराए, ऐसे लोग आपको बहुत सारे अपने जीवन में मिल सकते हैं। देकर दूर हट जाए, बस ज़्यादा उलझे नहीं। इसके बाद जो अगला जो चीज़ आपको करना चाहिए, जैसे आपके गांव, अपने शहर, जहां भी वृद्धाश्रम हो, वहां पर आप अपनी सेवाएं जरूर दें, उससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो ये तीन उपाय हैं, ये तीन दान हैं, इनसे बहुत फायदे होते हैं।